अब जन्म मरण का इतिहास जो है, एक थोड़ा सा जीवित इतिहास दिखाते हैं आपको जो बिल्कुल सत्य है। अपुनात्मा अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने अपनी अपनी डफड़ी नहीं बजानी, बतेरे दिन बजा ली। हमने सभी सदग्रंथों को, सभी इतिहासों को साथ लेना पड़ेगा जितने महापुरुष हुए हैं। अब जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक है प्रवीण चंद्र जैन एम ए शास्त्री, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन एम ए शास्त्री जम्बूद्वीप स्थानापुर, प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन जम्बूद्वीप स्थानापुर मेरठ उत्तर प्रदेश। अब ये यहां से ये है सारा कुछ। प्राप्ति स्थान है संजय कुमार विजय कुमार जैन कानपुर वाले जम्बूद्वीप स्थानापुर मेरठ, जैन साहित्य सदन चांदनी चौक दिल्ली, राजकुमार जैन कमलाबाई आश्रम महावीर जी दी जैन मंदिर शांति, ये सारा कुछ। और यहाँ से जम्बूद्वीप अस्तनापुर धीरेन्द्र जैन न्यू अदस्य वेबसाइट प्रिंटर्स मेरठ से छपी है। इसके 154 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं, इसके 154 पृष्ठ पर दिखाते हैं आओ जैन धर्म को जाने। इन्होंने क्या बताया है कि भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभ देव को इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है। उत्तर है बाबा आदम। ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, वो मृत्यु के उपरांत बाबा आदम के रूप में प्रकट हुए, पुनर्जन्म नंबर एक हुआ सिद्ध। और बाबा आदम भी फिर कब्र में होना चाहिए था जो हजरत मोहम्मद ऊपर मिले, वो हजरत इब्राहिम हजरत मूसा जी हजरत ईसा जी भी कब्र में पाने चाहिए थे, अब वहाँ ऊपर मिले उनको। तो इनका विधान ये गलत है कि कब्रों में तुम्हें दबाया जाएगा और क़यामत आओगी जो जिंदा करा जाएगा, अरबों वर्ष तक उसमें छेड़े जाइयो, यह आपका विधान है, कुरान शरीफ का नहीं है। कुरान शरीफ स्पष्ट कहता है कि दोबारा पैदा करूँगा, पहले भी किया था ये मैं वायदा करता हूँ। तो पुनर्जन्म होता ही रहता है यहाँ तो। अब आगे देखो एक पुनर्जन्म का और ज़बरदस्त इतिहास दिखाते हैं, ये देखिएगा 293 पृष्ठ से हम चलते हैं। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम है वीर अतिवीर सम्मति महावीर एवं वर्धमान। अब हम 293 पृष्ठ पर आगे। अब श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से आरंभ होता है? उत्तर देते हैं पुरुवा नामक भील की पर्याय से। पुरुवा नामक भील कौन था, उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि से मद मांस मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे आजीवन पालन किया था। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुवा भील की प्रिया से कहाँ गया? पहले 100 धर्म के स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ, उसके बाद स्वर्ग से आकर क्या हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारिची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर उसके बाद कहाँ हुआ? मारिची ब्रह्म स्वर्ग में देह हुआ। ये मारिची कौन है? ये मारिची है भरत का पुत्र, ऋषभ देव का पोता। ऋषभ देव जी ने जब तपस्या की थी 1000 वर्ष तक, पहली धर्म देशना यानी प्रथम दीक्षा, पहला चेला यू अपना पोता बनाया था मारिची। एक गुरु बनाकर साधना करते हुए वेदों अनुसार साधना करने वाले की भी जन्म मृत्यु कैसे बनी रही, आगे देखो। अब मारिची फिर कहाँ गया? भरत की चक्रवर्ती रानी अनंतमती से मारिची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, फिर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अयोध्या नगरी में फिर कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटल नामक पुत्र हुआ, फिर सौद्र स्वर्ग में एक साग वाली देव हुआ। इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम ऋषि से अग्नि से नामक पुत्र हुआ। यानी जन्म मृत्यु, स्वर्ग गया फिर पृथ्वी पर, फिर स्वर्ग गया फिर पृथ्वी पर, फिर नरक गया। इब आगे देखो 295 पृष्ठ पे, यहाँ कमाल हो जाएगा। फिर कहाँ गया? मंदिर नगर में साल्य का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर ने छोड़कर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? पर्याय ने छोड़कर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से फिर कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ।
निगुद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब देखो अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार है, 1,000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5,00,000 बार कनेर वृक्ष के पेड़ों के शरीर और 60,000 बार वैश्या के शरीर, 5,00,000 बार शिकारी के जीवन और 20,00,000 बार हाथी बना, 60,00,000 बार गधा बना और 30,00,000 बार कुत्ता, 60,00,000 बार नपुसंक, 20,00,000 बार स्त्री, 90,00,000 बार धोबी और 8,00,000 बार घोड़ा, 20,00,000 बार बिल्ली और 60,00,000 बार गर्भपात से मरण और केवल 80,00,000 बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ये है रियल जन्म मरण का चक्र, बिल्कुल सत्य है। कब तक? जब तक उस अल्लाहु अकबर की सत साधना इस दास से प्राप्त नहीं होगी तो ऐसे जन्म मृत्यु सब की होगी। और ये हालत तो उस जीव की है जो ऋषभदेव जी से वेदों अनुसार शास्त्रों को, जो यहाँ की इनके शास्त्र हैं, ब्रह्म सत्र की साधना करने वाले की, जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, ये एक है, इसके बताए अनुसार साधना करने वाले की जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ये भूल है, इन्होंने कुरान शरीफ को ठीक से समझा नहीं, जिसने गलत आइडिया लगा रखा है कि एक बार आखिरत होगी, नहीं, इन्हें स्पष्ट किया कि मैं फिर पैदा करूंगा जैसे पहले पैदा किया था, नहीं तो फिर ये दोबारा पैदा करने वाली बात नहीं, खत्म हो जानी थी। तो अब ये है ओरिजिनल, क्योंकि बाबा आदम ऊपर मिले तो पहले जा चुके हैं, वो भी खत्म होगी, बाबा हजरत अब्राहिम मूसा जी ईसा जी ऊपर बैठे हैं, पूरी जमात की जमात है, बाबा आदम की सारी संतान कोई नरक में कोई स्वर्ग में, तो वो सिद्धांत गलत सिद्ध हो गया कि कब्रा में पड़े रहेंगे, और फिर वो तो सब पे लागू होना चाहिए, फिर तो सब के लिए कुरान शरीफ है। तो ये इन्होंने ठीक से समझा नहीं कुरान शरीफ को, ये वास्तविकता ये, और ये हालत है उस व्यक्ति की है, मारीची वाले जीव की, जो वेदों अनुसार साधना कर रहा था। इसके बाद ये महावीर जैन हुआ, देखो ये सारा कुछ भोग कहियो, फिर आगे चल गया, फिर जन्म मृत्यु ऐसे चली, ये जन्म मृत्यु चली रही थी, हाथी घोड़े वृक्ष सब में इसका जीवन गया, और फिर देव हुआ, त्रिपुटी नाम नारायण हुआ, और फिर सातवें नरक में गया, उसके बाद सातवें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? ये सारा चल रहा, सिंह पर्वत पर सिंह हुआ, फिर पुनः नरक में, प्रथम नरक में गया, फिर कहाँ गया? ये हुआ, फिर यहाँ आ जाते हैं, सातवें स्वर्ग में देव हुआ, अब यहाँ आगे जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती नंदी से नंद नाम पुत्र हुआ, नंद का जीव फिर आगे कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, तदंतर 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए, इतनी ब्रांड मट्टी हुए पाछे महावीर भगवान हुआ, अरे महावीर भगवान ने के रंग लाए वो देख लो आगे, श्री महावीर भगवान हुआ, और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? उत्तर है 363 पाखंड मत चलाए, ले काट गया रोगी वो। अब देखो जो वर्तमान के जितने जैनी भाई हैं, इन पाखंड मत के आधार से, यानी महावीर जैन जी के द्वारा पाखंड मत चलाए गए 363 प्रकार के, उन पाखंड बकवादों के आधार से साधना कर रहे हैं, इनकी के दुर्गति होगी? ये तो एक दिन भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। जो शास्त्र अनुकूल ऋषभ देव जी से नाम लेकर के वो पुण्यात्मा मारी जी साधना कर रहा था, उसकी यह दुर्गति? वो कम से कम स्वर्ग तक तो घूम आया, और इस पाखंड मत के आधार से तो सीधे नर्क में जाएंगे सारे के सारे।